नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की तरफ। हम आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी परेशानियां हमारे देश में आई हैं। उन परेशानियों को देखते हुए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में एक नई नई सोच और नई नई प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। कोरोना संकट काल के कारण लगे हुए हिंदुस्तान में लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चोरी चोरा तहसील क्षेत्र के विकास खंड सरदार नगर का अवधपुर गांव कोरोना पॉजिटिव के 2 केस मिलने के बाद सील कर दिया गया है। GNN न्यूज संवाददाता आशुतोष कुमार पांडे और विनय प्रताप गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर जनपद के चोरी चोरा तहसील क्षेत्र के विकास खंड सरदार नगर के ग्राम सभा अवधपुर में 2 सगे भाइयों में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने के बाद उप जिला अधिकारी अर्पित गुप्ता, तहसीलदार चोरी चोरा रत्नेश तिवारी अपनी टीम के साथ पहुंचे गांव को सील करने तथा निर्देश देने के लिए कि 14 दिन तक कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जाएगा और कोई व्यक्ति गांव में बाहर से प्रवेश नहीं करेगा। मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी रचना मिश्रा ने भी मौके का निरीक्षण किया तो सफाई कर्मचारियों द्वारा गांव को सैनिटाइज किया गया है। थाना अध्यक्ष सूरजभान सिंह भी अपनी टीम के साथ गांव में मौजूद रहे। नहीं देखिए, एक चीज बहुत अब मन में भ्रांतियां हैं, ऐसे हो सकता वैसे हो सकता है, ये चीज जो बता रहे हैं ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको व्यक्ति से दूरी बनानी है। अगर ये पॉजिटिव है, इनके संपर्क में हम आएंगे, अगर इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से को अगर हम छूते हैं, चीजें तब ज्यादा भयानक होती है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगले 14 दिन आप अपने गांव की अगर भलाई चाहते हैं, गांव में आपके बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, इन सब की भलाई आप चाहते हैं, तो इस गांव में जो पुलिस ने बैरियर बनाया है उसके लिए जहां खुला एरिया है वहां खुद आप मानसिक बैरियर बना लीजिए कि किसी को आने नहीं देना है गाँव में। झगड़ा नहीं करना है, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करना है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस गांव में प्रवेश नहीं होने देना है, चाहे महिला पुरुष आपका कितना भी घनिष्ठ रिश्तेदार। ठीक है, ऐसे 2-4-10 लोग ऐसे लगाओ जो गांव की सीमा जहां बल्ली नहीं लगी है वहां पे भी उस चीज का ध्यान रखें। किसी भी संदेश यही देना चाहते हैं, जनता से अपील करते हैं, पूरे भारत के जनता से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, शासन का सहयोग करें, पुलिस वालों का सहयोग करें, मीडिया कर्मियों का सहयोग करें, स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें, सफाई कर्मियों का सहयोग करें और अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति भारत के राष्ट्रीय संरक्षक भानु मिश्रा जी का जन्मदिन, गरीबों में मास्क बांट के, साबुन बांट के, सैनिटाइजर बांट के हम लोग आज उनका जन्मदिन मनाए। देशों दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज। और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।